नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर देश की खास खबरों पर। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी देने वाले को झारखंड से गिरफ्तार किया। साइक्लोन दाना का कहर, ओडिशा में शुरू हुई तेज हवाएं और बारिश, रात में टकराने की संभावना, 16 घंटे के लिए उड़ाने बंद, 552 ट्रेनें रद्द, बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में पानी की टंकी का हिस्सा गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 7 घायल। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, चुनावी हलफनामे में बताया, 7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, रॉबर्ट वाड्रा के पास 66 करोड़ की। उत्तर प्रदेश उपचुनाव, सपा के निशान पर लड़ेंगे इंडिया ब्लॉक के सभी प्रत्याशी। आइए अब डालते हैं नजर राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों की घोषणा की। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ चुकी रेशमा को टिकट, 27 साल के आर्यन पहली बार लड़ेंगे चुनाव। दौसा में मौसेरे भाई ने ढाबे पर गोली मारकर की हत्या, मामूली कहासुनी बनी जानलेवा। साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जारी की एडवाइजरी, लालच में आकर साइबर ठगों को अपना बैंक खाता किराए पर उपलब्ध नहीं कराएं। जयपुर में पुलिस थाना खो नागोरियान का सहायक उपनिरीक्षक पुलिस एवं दलाल 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। प्रभास की फिल्म द राजा साहब का मोशन पोस्टर रिलीज। स्टेज पर गिरकर घायल हुई हॉलीवुड सिंगर बिली एलिश। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। द्विपक्षीय हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत जर्मनी से 2-0 से हारा। पार्थिव पटेल बतौर कोचिंग स्टाफ जुड़ेंगे गुजरात टाइटंस के साथ। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। 100 विमानों में बम की धमकी को लेकर केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लगाई फटकार। एनडीटीवी का परिचालन राजस्व दूसरी तिमाही में 16.5% बढ़ा। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी की छात्र शाखा पर प्रतिबंध लगाया। गाजा में इजरायली बमबारी में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।